सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। भारत का चंद्रयान 3 मिशन धरती से चंद्रमा के लंबे सफर पर निकल चुका है। इसकी सफल लॉन्चिंग की हर ओर तारीफ हो रही है। न केवल इसरो बल्कि इस मिशन को सफल बनाने में देश की प्राइवेट कंपनियों का भी अहम योगदान रहा है। इनमें से देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील भी एक है। चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाले रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जिस क्रेन का इस्तेमाल किया गया था उसे टाटा की फैक्ट्री में बनाया गया था। टाटा स्टील की ओर से चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो को बधाई देते हुए कहा गया कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि टाटा स्टील द्वारा तैयार की गई क्रेन ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च वाहन LVM-3 M4 को असेंबल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुधवार को कंपनी की ओर से जारी किए गए बयान में इस सहयोग का जिक्र किया गया है। बता दें कि टाटा स्टील ने इस क्रेन का निर्माण जमशेदपुर स्थित टाटा ग्रोथ शॉप में किया गया था। बीते 14 जुलाई 2023 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, जहां चंद्रयान के दूसरे जरूरी कंपोनेंट्स को रांची के हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने तैयार किया था। वहीं गोदरेज ग्रुप की कंपनी गोदरेज एरोस्पेस का भी बड़ा योगदान इसमें शामिल रहा है। फिलहाल बात करें टाटा स्टील की, तो जमशेदपुर फैक्ट्री में बनाई गई जिस अत्याधुनिक क्रेन ने इस मिशन को सफल बनाने में योगदान दिया वो इलेक्ट्रॉनिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन थी। इसे तैयार करने के बाद लॉन्चिंग से पहले आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थापित किया गया था। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील ने अपने बयान में आगे कहा है कि चंद्रयान 3 लॉन्चिंग में अपने योगदान के माध्यम से हम भारत की प्रौद्योगिकी उन्नति और विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट आजादी से पहले शुरू हुआ था। पहले इसे टिस्को के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1907 में भारत के पहले लोहा व इस्पात कारखाने के तौर पर हुई थी। इसके बाद जमशेदपुर को लोग टाटा नगर भी बुलाते थे। हालांकि इस कारखाने में स्टील आयरन का प्रोडक्शन साल 1912 में स्टार्ट हुआ था। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन में टाटा के साथ ही देश की दूसरी दिग्गज प्राइवेट कंपनियों का भी रोल रहा है। मुंबई स्थित निजी एरोस्पेस कंपनी गोदरेज एरोस्पेस ने इसके लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की सप्लाई की थी। कंपनी ने चंद्रयान के कई जरूरी पार्ट्स तैयार करके मुहैया कराए। यान के रॉकेट इंजन और थ्रस्टर को गोदरेज एरोस्पेस द्वारा ही बनाया गया था। कंपनी के बिजनेस हेड मानिक बेहराम कांदीन ने लॉन्चिंग वाले दिन कहा था कि हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि हमने चंद्रयान 3 में बहुत अहम भूमिका निभाई। हम इसरो के एक भरोसेमंद साथी रहे और आगे भी भविष्य में लॉन्च मिशन और एरोस्पेस सेक्टर में अपने महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। खबरी चौखट की रिपोर्ट।